ये हुआ कि एक दिन मुझे कॉल आई कि आप लोग का फर्नीचर रेडी है, आप लोग आ जाएं और इसको ले जाएं। और इस चीज़ का इतना वेट था, इतना वेट था। हम लोग गए वहाँ पे और हमने देखा और वो इतना प्यारा लग रहा था, इन लोगों ने बिल्कुल फ्रंट पे रखा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कारपेट लेना था, हम कारपेट वाली शॉप पे जाएं, कोई हमें सीरियस ना ले। तो फिर जिनसे हमने फर्नीचर लिया उन्हीं भाई ने कहा आप लोग कारपेट पसंद कर लें मुझे बता दीजिएगा, मैं आके डिस्काउंट करवा दूंगा। तो उन्होंने हमें वहाँ पे हेल्प की, फिर उन्होंने हमें वॉलपेपर पे हेल्प की, फर्नीचर वाले ने हमें कारपेट पे भी डिस्काउंट लेके दिया और वॉलपेपर पे भी 50% तकरीबन ऑफ हमें करवा के दिया। तो मैं उनका नंबर दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, बहुत अच्छा बना हुआ। सबसे मुश्किल टास्क जो था वो अब स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग ने मामा को सरप्राइज़ देना था। तो मैंने ये सोचा कि फर्नीचर जब आएगा तो हम मामा को लेके घर से चले जाएंगे। और उस दिन मज़ीद मुश्किल ये हो गया मामा को घर से निकाला कि मामा ने उस दिन कपड़े धोए हुए थे। ठीक है, जैसे ही मैं ऑफिस से आई तो मैंने कहा मामा हमने कैपिटल स्केयर जाना है, मामा कहा नहीं मेरी टांग में दर्द है मैं तो नहीं जा रही। बहुत मुश्किल से उनको मैं कैपिटल स्केयर लेके गई। अब वहाँ पे मामा को बिजी रखना था तो वहाँ पे भी शॉपिंग स्टार्ट हो गई, मज़ीद मेरा बैंक बैलेंस लो होता चला गया। और वहाँ पे मामा रुके ना, उसके क्लिप्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हमें मामा को सरप्राइज़ करना है और मुझे उनको लेके जाना था, इसलिए लेके जा रहे हैं। जैसे ही हम उनको लेके जाएंगे तो पीछे सोफ़ा आ जाएगा और जब हम लोग रिटर्न होंगे घर वापस आएंगे मैं और मामा, तब तक हर चीज़ सेट हो चुकी होगी। मैं भी दिखाती हूँ अभी कैसा लग रहा है और देन आफ्टर भी दिखाऊंगी। अभी सारा सामान नहीं आ रहा, वॉलपेपर और मेन चीज़ें आ रही हैं लेकिन बहुत सी मेन चीज़ें भी रहती नहीं हैं। अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज़ हमारी जो अल्टीमेट बड़ी शॉपिंग है वो अब भी आ रही है रास्ते में और मामा को बिल्कुल इस बारे में नहीं पता। मामा का ना सरप्राइज़, यस शायद मेरे जूते भी पड़े। अगला व्लॉग में आया तो समझ जाना कि मुझे कत्ल कर दिया गया। बाय। अभी हम पहुंच गए, आ जाए मामा चले। दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हाउस बट आई एम सो एक्साइटेड गाइज, आई एम ऑलरेडी सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे इस चीज़ को वेट करते हुए 20 डेज हो गए। कैन यू इमेजिन 20 डेज और आज ये सब हो जाएगा। मामा देखे, मामा देखा मैं कि शायद ठीक लगे वाला ट्राउजर चेंज करा, पक्का था जोड़ा होगा तो पता नहीं। अच्छा चलो जोड़ा चेंज करी थी। मैं मामा कह रही अगर एक दिन मैं बहुत बड़ी चीज़ कोई ले आऊँ तो आप क्या करें? कहती हैं कि आप वीगो डाला ला रही हो, क्योंकि शी नोज मेरी फेवरेट कार है वीगो। कार तो नहीं है, पिकअप ट्रक है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा हाँ वो भी आ जाएगा एक दिन। गाइज मेरे मामा के पास थोड़े से पैसे जमा होना तो ये कहती हैं बर्तन लेने मेरे जहेज के लिए। सो अगर आप लोगों में से कोई मुझसे शादी करना चाहता है तो बता दें मैं जहेज में बर्तन लेके नहीं आऊँगी। मैं करार माँ कोई बड़ी चीज़ गिनते आ गई हूँ ना तक दस से बगैर वाल तो क्या करे से हैं है? जब करवा से क्यों बहुत वही कोई चीज़ गिनना हो तो पता ही ना हो कि एडी वी चीज़ ही आ सकती है, वाल तो क्या करे से दस खुश थी से है। चलो ठीक है, आप लोग सुन पैसे दी कमी कह नहीं वीक हो गई क्या जहाज कटवा सा तो देख सही ठीक है। शी डोंट नो, शी डोंट नो, शी नो नथिंग उतनिया। गाइस ये वाला अभी मेरी अम्मी जोड़ा ले रही है मेरे लिए, मेरे जहेज के लिए। देखें एक दिन पता चलेगा अम्मी ने लड़का भी ले लिया है कोई है माँ कोई बड़ी चीज़ में घिन नहीं हूँ अम्मी, वाल क्या करे से दस ना कोई मैं जहाज घिन है अम्मी तो घर बने जहाज खड़ा हुए वाल। आप लोग सुन रहे हैं अम्मी खुश होंगी। नहीं वो रेड वाला ही ठीक है। अभी जैसे मैं एमएलओ को कॉल करूँ, एमएलओ कह रहे हैं कि यार जो सोफ़ा है वो हवा में लटक रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना था तो
तो वो सेकंड फ्लोर से इन लोगों ने रस्सियों के साथ लटकाया हुआ था और बंदे कम थे, तो वो आधा घंटा हमारा सोफा हवा में लटकता रहा है। अम्मी उधर कंट्रोल ना हो गया, मैंने घर जाना है, बहुत मुश्किल हुई। तो तुझे एक चीज़ बताऊँ, इधर अम्मी को रोकना है। तुझे पता है कि घर सोफे आए हुए हैं? सोफे? हाँ, किसने लिया? मैंने लिए सोफे और सारा टीवी लॉन्च का सामान आया हुआ। अभी अम्मी को जाने नहीं देना, ठीक है? वो चढ़ ही नहीं रहे, इतने भारी हैं। अम्मी तुम लोग की उड़ती जा रही है, घर जाना है, घर जाना है। हमारा प्लान ना चौपट हो जाए। सो गाइस, अभी हम लोग अम्मी को इधर ही थोड़ा बिजी रखेंगे ताकि अम्मी हमारी उड़ती जा रही है, कह रही है मैंने आज बर्तन धोया, मैं थकी हुई हूँ, मैंने घर जाना है। सो आप लोग को पता है सारा सरप्राइज़ क्या है, बट अम्मी को नहीं पता। सो अभी हमने अम्मी को इधर ही बिजी रखना है। जैसे ही सेट हो गया है, मैंने मुझे कॉल की कि सब सेट है, आ जाओ। तो फिर हम लोग आए एंड यार बहुत मज़ा आया। सो ये सब वो चीज़ें थी जो दिल में बहुत एक्साइटेड थी, और दीज आर माई अचीवमेंट्स। हाँ मंदे। सो हम लोग इतनी मुश्किल से मैंने अम्मी को रोका, मतलब कहा है कि आज पहली दफ़ा औलाद के साथ निकली है तो थोड़ा घूम फिर लें, लेकिन अम्मा कह रही थी नहीं, आंटी लोग के साथ जाती हैं तो पूरा दिन ये मार्केट लगा के आती हैं, अपनी बेटियों के साथ जाती हैं तो फिर कहती है मैं थकी हुई हूँ। ये देख लें इस औरत की शक्ल, बड़ी दो नंबर है औलाद के साथ। तो गाड़ी लाइट अभी आती है, मुझे पता ही नहीं चला मरकज से यहाँ। तो कभी औलाद के साथ निकलें तो पता चले ना। अब आ जाएं घर। ओके गाइस, वी आर गोइंग होम, एक्साइटेड, शी डोंट नो एनीथिंग येट। अरे अभी हमें ना एक्सीडेंट किया है और डांस से ऑर्डर डिमांड किया है आपसे। अच्छा कितने दिए है वे? गोलड़ा मोड़ चौक है जाया भाई, ढेर सारे पैसे हैं। इड्डे द वॉलपेपर या सी वाली उड़े है यार सारा ऑर्डर। मैं तो क्या आखा, एक ने आसी तरह टीवी लाग भर रहा है, सी भर रहा गए ये देखें गाइस, अब ये सबको दिखा रही है। Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys.